मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए उड़ीसा का खाना मुझे मिलेगा, ये तो मिलेगा। मैं आपके साथ एक्चुअली बातचीत में इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी हूँ ना, डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊंगी क्योंकि आप ओडिशा में आए हुए हैं। आप बॉम्बे गए थे जॉब करने के लिए, बट सुनने में आया वहाँ से तो आप मतलब शादी फिर आगे की बात वो सब करिए, वो कैसे सुनी सुनाई जो बातें होती है ना उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पूछ रही हूँ आपको। तो मैं जॉब तो बहाना था, तो जॉब भी मुंबई में इसलिए गया क्योंकि उस समय अल्योना की फैमिली जो है उन्होंने मुंबई वापस मूव कर लिया था। तो पहुंचने के विद इन 6 मंथ्स तो शादी हो गई थी। वाओ, तो कलिनरी फील्ड में जाने से आपको ऐसे कैसे फील हो गया कि बहुत अच्छा शेफ बन सकता हूँ? क्योंकि तब जैसे बोला आपने कि होटल मैनेजमेंट ज़्यादा लोग नहीं करते थे या फिर किचन में ज़्यादा लोग नहीं जाते थे। नहीं नहीं, आप किसी भी फील्ड में जाएं उसमें आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो अपने आप अच्छा होगा, मतलब जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो टीवी शो तो बाद में आया, उससे पहले भी अच्छा काम करता था, अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते थे, प्रमोशन बड़ी जल्दी होती थी। 28 साल की उम्र में 400 रूम के होटल का एग्जीक्यूटिव शेफ था मैं। Wow. करीब उसी समय बेस्ट एग्जीक्यूटिव शेफ का इंडिया का प्राइज मिला। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि अच्छा सब अपने आप हो जाएगा। हाँ, ऐसे नहीं होता, हार्डवर्क तो करनी पड़ेगी। तो दरवाजे पे अगर नॉक होगा, कोई खटखटाएगा और आप दरवाजा खोलेंगे ही नहीं। शेफ कर ये जो सब इंस्पिरेशनल कथा सुने कि मते तो आज बहुत ही भल लागु छी। नहीं नहीं, वो तो सब ठीक है, लेकिन मतलब मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ खाने के लिए उड़ीसा का खाना मुझे मिलेगा, ये तो मिलेगा। मैं आपके साथ एक्चुअली बातचीत में इतना ज़्यादा घुल मिल चुकी हूँ ना, डेफिनेटली मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे डिशेस बनाऊंगी क्योंकि आप ओडिशा में आए हुए हैं और मेरे हाथ का खाना आपको खिलाना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है।